हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल लर्न इंग्लिश विद दिव्या शर्मा पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एट का चैप्टर फर्स्ट, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। यह रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन, संसार की शुरुआत हुई थी, एंड द एनिमल वर्ल्ड वर्किंग फॉर ह्यूमन, और जानवरों ने मनुष्यों के लिए काम करना शुरू किया ही था। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, वहां पर एक ऐसा लेजी यानी आलसी एनिमल भी था, वह कुछ नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम्प, और कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हम्प बोलता। इवन द क्लेवर जीन वॉज एट हीज विट एंड, वहां पर एक चतुर जीन भी था, उसकी भी बुद्धि का अंत हो चुका था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, वेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल वर्ल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और संसार नया नया बना ही था और जानवरों ने मनुष्यों के लिए काम करना शुरू किया ही था। देयर वॉज अ कैमल, वहां पर एक कैमल भी था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। वो एक कैमल था, वो हाउलिंग डेजर्ट में रहता था यानी मरुस्थल में रहता था, लेकिन वह कोई काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक एंड थ्रोन्स एंड प्रिकल्स, वह वहाँ पर लकड़ी और कांटे खाकर ही रहता था। एंड वेन एनी बडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर, अगर कोई कभी उससे कोई बात भी करता था, सिर्फ कहता हम्प हाँ एंड नो मोर, और इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विथ अ सेडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। वो कहता है प्रेजेंट में वहाँ पर एक हॉर्स आता है, वो अपने पर सेडल ले रखी, यानी कि हॉर्स पर बैठने के लिए जो गद्दी लगाई जाती है उस तरह की उसने कुछ ले रखी है, और वो वहाँ पर आता है और कहता है कि कैमल ओ कैमल तुम मेरे साथ चलो और ट्रोट करना शुरू करो, यानी धीरे धीरे चलना शुरू करो। हम्प द कैमल सेड एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वापस कैमल ने वही बोला हम्प, और यही बात जाकर के और वो जो हॉर्स होता है उस आदमी को जाकर के बोल देता है कि कैमल सिर्फ हम्प बोल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। Presently the dog came to him with a stick on his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." वहाँ पर फिर वापस आता है डॉग और वो कहता है कैमल ओ कैमल चलो बाहर, और यानी उसने उसके मुंह में एक स्टिक पकड़ रखी है, तो तुम भी ऐसे चलो बाहर और काम करना शुरू करो। सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वापस कैमल ने सेम जवाब दिया हम, और यही बात जाकर के और वो डॉग जो होता है वो मैन को बता देता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, अब वहाँ पर एक ऑक्स आता है यानी बैल आता है, विथ अ योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम एंड फ्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल ओ कैमल तुम मेरे साथ चलो और फ्लो यानी होता है हल चलाना, और योक यानी होता है जब हल चलाते हैं तब उनके गले में जो ऑक्स होते हैं उनके गले में एक तरह का पट्टा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं योक। तो कहता है कि तुम मेरी तरह योक लगा लो और चलो बाहर और प्लो करना यानी हल जोतना शुरू करो। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वापस उस कैमल ने वही जवाब दिया हम, यही बात जाकर के और उस ऑक्स ने भी वापस उस मैन को बता दी। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, हॉर्स डॉग और तीनों को वह आदमी एक साथ बुलाता और कहता है एंड सेड थ्री ओ थ्री, तीनों तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम तीनों के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बट देट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव एंड हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। यहाँ पर जो ये डेजर्ट में यानी मरुस्थल में जो ये हम्प नाम की जो चीज़ है वह कोई भी काम नहीं करने वाली, वो यहाँ पर ऐसे ही मरुस्थल में रहेगी, लेकिन इसके बदले तुम तीनों को डबल काम करके भी और डबल टाइम काम करके भी अपना काम पूरा करना होगा। देट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात को सुनकर के वो तीनों ज्यादा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एड्स ऑन द डेजर्ट, और उन तीनों ने डेजर्ट के किनारे पर एक पंचायत बुला ली। एंड द कैमल केम चूविंग क्यूड एंड लाफ्ड एट देम, और उसी समय वहाँ पर कैमल आता है जो चूविंग यानी होता है चबाना और क्यूड यानी होता है जुगाली, यानी वो जानवर जो होते हैं वो एक बार चारा या घास कुछ भी खा लेते हैं तो उसके बाद उनके मुंह में वापस वो चारा आता है तो उसको जो कहते हैं जुगाली, तो वो क्यूड कर रहा था। एंड लाफ्ड एट देम, और उनको देख करके वो हंसता हुआ चला जाता है। एंड सेड हम्प, और वापस कहता है हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और वापस चलना शुरू कर देता है आगे।
Presently there came along the जीन who was in charge of all desert. प्रेजेंट में वहाँ पर एक जीन आता है जो पूरे इस डेजर्ट को चार्ज करता है, यानी पंचायत का जो मुखिया उसी को बना रखा होता है. वो वहाँ पे आता है रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट. वो आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोलिंग हो रही है डस्ट की. इस पिक्चर में दिख रहा है देखो, पिंक पिंक चारों तरफ है, तो इस तरह का हो जाता है वहाँ पे. जीन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स इट इज राइट फॉर एनिमल टू बी आइडल. जीन जब आ जाता है तो हॉर्स उसे कहता है क्या ये सही है क्या कोई भी खाली रहे और कुछ काम नहीं करे, ऐसे ही बैठा रहे. सर्टेनली नॉट सेड द जीन्स. जीन ये बात जैसे ही जीन सुनता है तो जीन कहता है नहीं यह तो सही नहीं है. वेल सेड द हॉर्स देयर इज द थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही वुड नॉट ट्रोट. वह बताता है जिनको कि यहाँ इस डेजर्ट के बीचों बीच में एक ऐसा जानवर है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबे पैर है. वो मंडे से लेकर के अभी तक उसने कुछ भी काम नहीं किया है और ना ही ट्रोट किया है, ना ही उसने चलना शुरू किया है. नहीं होता धीरे धीरे चलना, यानी वो ना ही तो कुछ काम कर रहा है और ना ही धीरे धीरे चल रहा है. व्यू सेड द जीन विस्लिंग दैट इज माय कैमल व्हाट डज ही से अबाउट इट. अब जीन जो होता है वो व्यू बोलता है और फिर विस्लिंग यानी सीटी बजाते हुए कहता है दैट इज माय कैमल, यहाँ तो एक कैमल है. व्हाट डज ही से अबाउट इट, मैं इसके बारे में क्या कहूँ. ही से हम्प, बाकी जानवर उसके बारे में कहते हैं ही से हम्प, वहाँ तो सिर्फ हम्प बोलता है. एंड ही वुड नॉट प्लग सेड टू ऑक्स. अब ऑक्स उसे कहता है कि जीन वो तो कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ हम्प बोलता रहता है और ना ही प्लो करता है, यानी ना ही जुताई का काम करता है वो. वेरी गुड सेड द जीन. जीन कहता है बहुत ही अच्छा, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट. जीन कहता है मैं उसे हम्प करके आऊँगा अगर तुम लोग कुछ देर वेट करो. आई विल हम्प हिम का यहाँ पर मतलब है आई विल डील विथ हिम अप्रोप्रिएटली, आई विल सेट हिम राइटली, यानी कि मैं उसके साथ अच्छी तरीके से बात करूँगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा. द जीन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वॉटर. जीन अपने आप को हिमसेल्फ डस्ट क्लोक यानी अपने आप को डस्ट के क्लोक में यानी धूल के उस झुंड में वापस लपेट लेता है और चला जाता है. एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग ऑन हिज रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर. और वह वहाँ पर जाता है और डेजर्ट में थोड़ी देर चलता है और उसे फिर वह कैमल को देख लेता है और कैमल को ढूंढ लेता है. और वह जब जाकर के कैमल को देखता है तो कैमल अपने आप को एक पूल के पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा होता है, यानी अपने आप को उस पानी में देख रहा होता है. उसको वो देखता है जीन, वो उसके पास जाता है और कहता है माय फ्रेंड सेड द जीन. जीन कहता है ओ माय फ्रेंड, ओ मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस, आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, मैंने सुना है कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो. द जीन सेट डाउन, जीन वहीं पर बैठ जाता है विथ हिज चिन इन हिज हैंड विथ द कैमल लुक्ड एट द हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वॉटर. अपनी चीन पर हाथ रख के, चीन यानी होता है ठुड्डी, ठुड्डी पर हाथ रख के वो वहाँ पर बैठ जाता है और वो देखता रहता है कि कैमल जो है अपना जो रिफ्लेक्शन है यानी अपनी जो परछाई है उसी को वाटर में देखे जा रहा है. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ यूर आइडलनेस सेड द जीन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चीन इन हिज हैंड. अब जब वो जीन जो होता है उस कैमल को कहता है कि तुम्हारे काम ना करने की वजह से जो 3 जानवर है उनको 3 दिन से तुम्हारे काम की वजह से एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, यानी दुगुना काम करके अपना काम करना पड़ रहा है. जीन ये बात कैमल को समझा करके और अपना हाथ ठुड्डी पर रख करके, चिन पर रख करके और वापस सोचने के लिए बैठ जाता है. रिमोन्स्ट्रेटेड यानी होता है प्रोटेस्टेड या कंप्लेन. हम सेड द कैमल, इतनी सारी बात हो जाने के बाद वापस कैमल बोलता है हम, यानी जीन उसको इतना समझा देता है कि तुम्हारी वजह से इन 3 जानवरों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है और इन 3 को अपना एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है. लेकिन ये सारी सुनने के बाद भी सिर्फ कैमल हम्प बोलता है. आगे फिर जीन कहता है आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ यू वर यू. आई सेड द जीन यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन, आई वॉन्ट यू टू वर्क.
वह कहता है जीन उसको कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो तुम ये बार बार जो हम बोलते रहते हो वो नहीं बोलता और इसकी जगह कुछ काम करता, और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प, वापस कैमल बोलता है हम्प अगेन। बट नो सूनर ही हैड सेड इट देन ही सा हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। जैसे ही कैमल हम्प बोलता है और वह पानी में देखते जा रहा होता तो देखता है कि उसकी पर एक पफ हो गया, यानी बहुत ही एक हम्प बन गया है। तो वह देखता है और उसको तो उसके ऊपर उसको प्राउड होने लग जाता है। उसकी गर्दन भी लंबी होती हुई जा रही थी और उसके शरीर पर जो है एक हम्प निकलता हुआ जा रहा था, यानी एक पफ बनता हुआ जा रहा था। डू यू सी दैट सेड द जिन। जिन जब उस देखता है तो उसे कहता है कि तुमने इस चीज़ को देखा है। That is your very own hump that you have brought upon your very own self by not working। ये जो तुम ये देख रहे हो, ये जो तुम्हारा हम्प है, ये तुम खुद ही लेकर के आए हो। क्यों? क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते हो, काम नहीं करने की वजह से ये हम्प तुम्हारे शरीर पर बन गया है। Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began, now you are going to work। यानी आज हो गया है और तुमने मंडे से लेकर के आज तक कोई काम नहीं किया, इसलिए तुम्हारी बैक पर या तुम्हारे जो शरीर है उस पर ये हम्प आ गया है, अब तुम्हें काम करना चाहिए। हाउ कैन आई सेट द कैमल विथ दिस हम्प ऑन माई बैक। अब कैमल कहता है कि जिनको कि अब मैं कैसे काम करूंगा, मेरी बैक पर तो ये हम्प आ गया है, अब इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाऊंगा। देट हैज ए पर्पज सेट द जिन। जिन कहता है कि ये जो हम्प तुम्हारी शरीर पर जो आया है इसका भी कोई उद्देश्य है, पर्पज है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिनों तक काम नहीं किया, इस काम को मिस्ड किया यानी छोड़ दिया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विथ उट ईटिंग, और इसलिए अब तुम्हारे शरीर पर यह हम्प बन गया और इस वजह से तुम अब 3 दिनों तक बिना खाए पिए भी काम कर सकते हो, एबल हो यानी योग्य हो तुम इस काम करने के लिए। बिकॉज यू कैन लीव ऑन यूर हम्प एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू केम आउट ऑफ डेजर्ट एंड गो द 3 एंड बिहेव। और तुम अपनी इस हम पर 3 दिन तक जिंदा रह सकते हो, और तुम हमेशा कहते थे ना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो देखो मैंने आज तुम्हारे लिए कर दिया ये। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। अब तुम इस डेजर्ट से बाहर जाओ और काम करो और उन तीनों के साथ भी अच्छे से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3। अब वह कैमल वहाँ से जाता है और उन तीनों को ज्वाइन करता है। एंड फ्रॉम देट देर टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट द हार्ट दिस हिज फीलिंग, बट ही हैज नेवर येट कैच अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ल्ड of the world and he has never yet learned how to behave। और उस दिन से आज दिन तक कैमल के शरीर पर जो वो हम्प है वो बनी हुई है। जो हम्प है उसको हम खींच के हम्प नहीं बोलते बल्कि हम बोलते, ताकि कैमल की जो फीलिंग है उसको हर्ट ना हो यानी उसको दुख नहीं हो। बट ही हैज नेवर येट कैच अप With the 3 days that he missed at the beginning of the world। और अभी तक जो 3 दिन शुरुआत में उसने संसार जब शुरू हुआ था जब उसने काम नहीं किया था, उन 3 दिनों का वर्क अभी तक भी वह पूरा नहीं कर पाया है, वो काम अभी भी उसका बाकी है। And he has never yet learned how to behave। और तब से लेके उसके शरीर पर जो हम्प है ये बना हुआ है और उसने आज दिन तक भी ये नहीं सीखा है कि कैसे बिहेव करना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।